हेलो, हरा सकते हो? इस वक्त? ओ, तुम्हें यूं नहीं जाना होगा। सलार आया था, पर? तुम आ सकते हो? हाँ, आ तो सकता हूँ, लेकिन तुम बाहर आ जाओ। नाश्ते पर चलते हैं, किसी कॉफी शॉप पे चलते हैं, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। तो तुम यहां क्यों नहीं आ सकते? वो असल में सर पर मुमानी होती ना, सब कुछ अजीब कर देती है। उनके सामने ही बात करनी है, तुम प्लीज आ जाओ। हाँ, अच्छा ठीक है। ओके बाय। सलमान को बुलाया है? हाँ हाय, कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा। हाय, उस सूद पशेमा का पशेमा होना। सूद नहीं, जूद। चुकाना तो ऐसे ही पड़ रहा है ना, जैसे सूद हो। चुकाते जाओ चुकाते जाओ, लेकिन वो बढ़ता ही जाता है। उसका हाथ क्यों पकड़ा था तुमने? किसका हाथ? सलमान का। कल सबके सामने तुम उसका हाथ पकड़ के गई थी ना? ये पूछने का ना आपको कोई हक नहीं है, समझे? मेरा हक हो या ना हो, तुमने किसी और का हाथ कैसे पकड़ा? आप कौन होते हैं ये पूछने वाले? अच्छा, अरे आपको तो पता है ना कि मैं कौन हूं। तो खत्म करें ये तमाशा। जुबान दी थी आपने मुझे, आप पीछे नहीं हट सकते, समझे आप? वैसे मिर्जा साहब, मुझे एक बात की नहीं समझ आई। ताहिर ने सालार को बुला लिया और बताना तक गवारा नहीं समझा। मुझे इस बात पे हैरत नहीं है कि ताहिर ने अपने बेटे को वापस बुला लिए। हैरत मुझे इस बात पे हो रही है कि वो उसके कहने पे वापस कैसे आ गया। किसके बुलाने पर आ गया डैड? How are you, sweetie? I'm fine. बताए ना डैड, किसके बुलाने पर वापस आ गया सलार? अरे बेटा, ताहिर ने एक चाइनीज कंपनी के साथ मर्जर किया है और उसकी लीड वो सालार को हैंडओवर कर रहा है। ओहो, अभी तो मर्जर का एग्रीमेंट हुआ ही नहीं, तो सलार ये सब कुछ 2 दिन में छोड़ के कैसे आ गया? अरे 2 दिन में नहीं आया है वो। महरीन बता रही थी कि वो तो काफी पहले से उसको बुलाना चाह रहे थे। वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ वाइंड अप करके वहां से वापस आए। इसका मतलब है कि प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन उन्होंने हमें बताना मुनासिब नहीं समझा। चलो हमें ना सही, तो कम से कम सलार साहिबा को तो बता सकता था। डैड, पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी। तुम्हें कैसे पता? उन्होंने पहले तुम्हें कुछ बताया? वो तो तुम्हें हमेशा बेवकूफ बनाते। डैड, वो कैसे बताता मुझे? उसे तो टर्मिनेट कर दिया गया था और फौरन वापस भेज दिया। टर्मिनेट करके? तो फिर ताहिर सबसे झूठ क्यों बोल रहे हैं कि उन्होंने सालार को खुद बुलाया? ऐसे ही जैसे उन्होंने हमदानी साहब और नताशा के साथ झूठ बोला था। नताशा के बारे में कौन सा झूठ बोला था मिर्जा साहब? नहीं नहीं इसे बताओ ना, इसे पता होना चाहिए। हाँ बताएं मॉम। परे बेटा, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे डैड से हमदानी साहब मिले थे। तो बता रहे थे कि नताशा सालार की बर्थडे के बाद से कभी पाकिस्तान आई ही नहीं। व्हाट? यस, और उसकी एंगेजमेंट हुए भी कई महीने हो गए। और वो जो पार्टनरशिप कर रहे थे वो? कौन सी पार्टनरशिप बेटा? हमदानी ताहिर से कोई डील नहीं कर रहा था। अच्छा, इसका मतलब है ताहिर अंकल हमसे झूठ बोल रहे थे।
श्रीजत हमदानी साहब जो है ना, वो अपनी बेटी नताशा की सालार से शादी करना चाहते हैं, इसीलिए वो हमारे साथ हर कीमत पे पार्टनरशिप करने को तैयार है। और सालार? सालार के तो माइंड में भी कुछ भी नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स जब दोनों साथ काम करेंगे दिन रात तो अंडरस्टैंडिंग तो हो ही जाएगी। तुम राजी हो तो कल ही निकाह कर लेते। साया को लगता है वो होने नहीं देगा। मतलब तुम राजी हो? मेरा मतलब है कि पहले तुम मना कर रही थी ना। वो उस सालार का क्या करोगे? सालार से डरने की कोई जरूरत नहीं है मोमानी, ना वो आपका कुछ बिगाड़ सकता है और ना ही इसका। काया को सलार से नहीं तुमसे डर है। मुझसे क्या डर है? काया को लगता है कि बारात के वक्त जो कासिम ने और माजिद ने किया तुम भी वही करो। मैं माजिद की तरह डरपोक नहीं हूँ सितारा, माजरत से, और ना ही मैं तुम्हारे वो कासिम की तरह कोई लालची इंसान हूँ। मेरा मतलब है मेरी कोई भी सलार के पास कमजोरी नहीं है और मैं खुद अपने आप में एक एस्टैब्लिश इंसान हूं। अगर हम तुम पर भरोसा कर लें तो उसके डर से सितारा को छोड़कर तो नहीं भाग जाओगे? आपका तो नहीं, लेकिन ये मुझ पे भरोसा कर और कल की तरह सालार के सामने डट कर कहें ये मुझसे मोहब्बत करती, फिर मैं नहीं भागूंगा। बोलो कहोगी उसके सामने? उपो से कहना है कि ताया जल्दी शादी के लिए राजी है। तैयारी कर लें।